हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आई एम सुमंत मंडल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस द रियल पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर पीपल का गोल क्या होता है? हैप्पीनेस इज द रियल पर्पज ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हर किसी का पर्पज होता है हैप्पी रहना, खुश रहना लाइफ में। हम जितना खुश रहेंगे लाइफ में, इतना प्रोडक्टिव हम बन जाएंगे लाइफ में। हम इतना प्रोडक्टिव, इतना ग्रो करेंगे लाइफ में। हैप्पीनेस इज द रियल पर्पज फॉर ह्यूमन लाइफ। बट हैप्पीनेस ऐसा कोई थिंग्स नहीं है कि हम चीज़ों को मार्केट में खरीद पाएंगे, कि कहाँ से भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग अबाउट इन आवर लाइफ। हैप्पीनेस हमारा लाइफ का एक फीलिंग्स होता है जो हमको हेल्प करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में वर्क करने के लिए हेल्प करता है, 100% इफोर्ट देने के लिए हेल्प करता है। एंड हम जितना 100% इफोर्ट देंगे, जितना प्रॉपरली एक्टिविटी करेंगे, जितना हार्ड एक्टिविटी करेंगे, इतना हम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट बाय प्रोडक्ट होता है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, बट जो एक्टिविटी हम करते हैं लाइफ में, उसी का रिजल्ट क्रिएट होता है, उसी का बाय प्रोडक्ट रिजल्ट आता है। बट इफोर्ट हमारे हाथ में है, कितना इफोर्ट के साथ हम एक्टिविटी को कर पा रहे हैं। बट हैप्पीनेस इज अ फीलिंग अबाउट द लाइफ। हैप्पीनेस लाइफ का एक फीलिंग्स होता है। एंड ईच एंड एवरी पीपल कैन स्टे हैप्पी इन देयर लाइफ। हर कोई उसका लाइफ में हैप्पी रह सकता है। इट्स ए फीलिंग, इट्स कम्स फ्रॉम आवर इनसाइड इन आवर लाइफ। अगर हम चाहेंगे हैप्पीनेस को प्रॉपरली समझ पाएंगे, लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ईच एंड एवरी मोमेंट हम हैप्पी रह पाएंगे। हैप्पी रहने का फर्स्ट रीजन है, हम पॉजिटिवनेस को देखना पड़ेगा। जितना चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखेंगे, इतना हम फील हैप्पी, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाएगा लाइफ में। एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर हम कुछ नया चीज़ हमारे लाइफ में आ जाता है, सपोज यू विल बाय अ न्यू कार, तो आप चाहे या ना चाहे आप हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली यू विल बी फील हैप्पीनेस। बट कुछ दिन जाने के बाद वो चीज़ फिर से इट विल बी क्रिएट द प्रॉब्लम। कुछ चैलेंजेस आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर हम डिप्रेशन को चला जाते हैं। बट इट्स अ फीलिंग अबाउट द लाइफ। वो मूवमेंट को हम लिविंग ऑफ लाइफ हमेशा करना है, हमेशा हैप्पी रह के चीज़ों को हैंडल करना है। जितना हैप्पी रहेंगे, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहेंगे, इतना हम 100% इफोर्ट दे पाएंगे, इतना प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो चीज़ हमको हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने में, फाइंड आउट सोल्यूशन करने में, एंड लाइफ में सक्सेस पाने में। सो ऑलवेज बी स्टे हैप्पी इन योर लाइफ एंड गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो थैंक यू टू एवरी वन। Please join with us.